नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की फसली ऋण योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तराखंड के सहकारिता विभाग मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किसानों को फसली ऋण देने के लिए 2000 करोड़ का बजट जारी किया गया है और इसका लाभ जो है सहकारी बैंक उठा सकेंगे। और इस योजना का संचालन जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। और प्रदेश के सहकारिता विभाग मंत्री द्वारा जो है सहकारी बैंकों को आदेश दिया गया है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों एवं प्रवासी मजदूर किसान जो कोरोना महामारी संकट के कारण जो है अपने प्रदेश को वापस लौट आए हैं, उन्हें भी ऋण उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाए। और इस योजना फसली ऋण योजना के तहत जो है ऋण लेने के लिए किसी भी किसान को, लघु किसान एवं खेतिहर मजदूर किसान को मना नहीं किया जाएगा और 1 लाख तक का ऋण जो है ब्याज मुक्त दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना को फसली ऋण योजना के तहत जो है 2000 करोड़ रुपए का फंड पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा जो है फंड जारी किया गया है। पिछले वर्ष 1400 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था और इस बार जो है इस साल कोरोना महामारी संकट को देखते हुए ज्यादा फंड जारी किया गया है। 2000 करोड़ का फंड जारी किया गया है इस योजना फसली ऋण योजना के तहत जो है प्रदेश में प्रवासी मजदूर करीब 2 लाख की संख्या में वापस लौटे हैं और जिसके कारण प्रदेश में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। तो इस बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए भी इस वर्ष फंड ज्यादा जारी की गई है, बढ़ा दी गई है फंड की राशि। और सहकारिता से जोड़ करके जो है रोजगार सृजन करने की पहल की जाएगी फसली ऋण योजना के तहत। और सहकारी बैंकों को आदेश दिया गया है सहकारिता विभाग मंत्री द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फसली ऋण योजना के तहत ऋण प्रदान करें और अपने बैंक सहकारी बैंक अपने जो है ऋण देने के दायरे को बढ़ाएं और इसके अंतर्गत जो है ज्यादा से ज्यादा जो प्रवासी मजदूर किसान लौटे हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाएं और फसल के नुकसान का दंश झेल रहे हैं जो बर्फबारी मूसलाधार वर्षा आदि के कारण जो है फसल का नुकसान हुआ है, तो ऐसे किसानों को भी ऋण उपलब्ध करवाया जाए। और यदि कोई किसान जो है सहकारी बैंक से पहले ही कोई ऋण ले चुका है, उसका ऋण अभी चुकता नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी यदि वो ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण उसकी आवश्यकता के अनुसार सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत जो है ऋण प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है किसानों को और प्रदेश के लघु एवं खेतिहर मजदूर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है प्रवासी खेतिहर मजदूर जो अपने उत्तराखंड राज्य में वापस लौटे हैं वो भी इस योजना के तहत सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार कृषि से संबंधित कार्य आरंभ कर सकते हैं। और इस कृषि फसली ऋण योजना के तहत जो है किसानों को 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी यदि किसान 1 लाख रुपए तक का ऋण लेने के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें जो है उसके बदले ऋण चुकाने के लिए ब्याज नहीं देना होगा, ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे सहकारी बैंक। और यदि 1 लाख की राशि से ज्यादा
राशि के लिए जो है ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो 1 लाख से अधिक जो राशि होगी उस पर 9% ब्याज की दर से ऋण चुकाना होगा किसान भाइयों को। और यदि कोई किसान जो है सहकारी बैंक की किसी भी शाखा से ऋण ले चुका है तो उसके बावजूद भी फसल ऋण योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकेगा। और फसल ऋण योजना के तहत किसान जो है कृषि फसल नुकसान की पूर्ति, बागवानी आदि कृषि कार्यों के अतिरिक्त कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग आदि कृषि कार्य के लिए ऋण किसी कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। और इस योजना के तहत फसल ऋण योजना के तहत जो है किसान भाइयों को आवेदन सहकारी बैंक में जाकर करना होगा और प्रदेश के किसी भी सहकारी अर्थात कोऑपरेटिव बैंक में जाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सहकारी समितियों के माध्यम से भी फसल ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं उत्तराखंड के किसान और जो प्रवासी मजदूर किसान प्रदेश में लौटे हैं वो सभी इस योजना के तहत ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपना कोई भी कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल सीको.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तराखंड के सभी किसान भाई जो फसल ऋण के नुकसान का दंश झेल रहे हैं और जो प्रवासी खेतिहर मजदूर किसान लौटे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक की सहायता से ऋण का लाभ प्राप्त कर सकें।